आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और एक सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे होंगे। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ब्लड रिलेशन। अब इसका एक अच्छा खासा वेटेज है, आपके प्री में भी और मेंस में भी, दोनों में इसके दो दो सवाल पूछे जाते हैं। अब ये जो चैप्टर है ना, इसे हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। रिश्ते ये तो हमें बचपन से पता है, चाचा ताऊ माता पिता, ठीक है, भाई बहन, ये सब चीज़ें तो हमें बचपन से पता है। पर क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में हमें इन सवालों को कैसे जल्दी करना है, तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो हम यहाँ पे बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपके एग्ज़ाम में कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन के। एक आता है आपका पज़ल की फॉर्म में, पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट से आप कनेक्ट कर पाओगे, पज़ल्स दी जाती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट दिए जाते हैं। क्या होता है इसमें, बस वो चीज़ें आपको सीधी नहीं पूछेगा, और यही चीज़ हमें सीखनी है। वो आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि बताओ ए का फादर कौन है, वो आपको बोलेगा ए के ग्रैंडफादर की वाइफ का जो इकलौता सन है, ठीक है, बताओ वो ए का कौन होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको चीज़ें घुमा फिरा के दी जाती हैं। दूसरी चीज़ होती है हमारी कोडेड। कोडेड में क्या होता है, कोडेड इनइक्वालिटी सीख चुके हैं हम, बस कुछ कोड्स दिए जाते हैं और उसके बाद क्या किया जाता है, बाद में एक इक्वेशन दी जाती है और आपको पूछा जाता है कि बताओ इसका और इसका रिलेशन क्या होगा। अगेन एग्जांपल से हम बहुत अच्छे से इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, ठीक है, कि क्या क्या पूछा जाता है। और तीसरी चीज़ होगी आपकी पॉइंटिंग वाली। पॉइंटिंग वाली चीज़ में क्या होता है, वो बोल देता है किसी भी एक पिक्चर को पॉइंट करके बोला, या फिर सामने कोई एक इंसान खड़ा है उसे पॉइंट करके बोला कि वो जो इंसान है सामने वो उसके चाचा के ताऊ के बुआ के कुछ कुछ कुछ, ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। ऐसे पॉइंट करके फिर बाद में बोल देता है कि बताओ इसका रिलेशन इस इंसान के साथ क्या होगा। ऐसे कुछ चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। ओके, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेशन। हम दिखाते कैसे इन चीज़ों को। अब हमें दिया तो होगा कुछ चीज़ें, हमें पज़ल की फॉर्म में दी हो या फिर कोडेड इक्वेशन की फॉर्म में दी हो, तो हम उसे अपने रेफरेंस के लिए बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है जनरेशन, इसमें जो हमें पता होनी चाहिए। जनरेशन मतलब क्या होता है, पीढ़ी, ठीक है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, कौन पहले आया कौन बाद में आया, उसे हम कैसे दिखाते हैं, फैमिली ट्री से दिखाते हैं, बहुत अच्छे से सीखेंगे आगे। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है जेंडर, ठीक है, सॉरी जेंडर, कि वो पुरुष है महिला है, मेल है फीमेल है, ठीक है। अगेन उसके आगे चीज़ें, सबसे पहले जो हमें डिनोट करना है वो आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, हम क्या करते हैं जनरली, प्लस से हम दिखा देते हैं मेल को, ठीक है, आदमी पुरुष लड़का कोई भी होगा, किसे दिखा देंगे, प्लस से, और माइनस से हम दिखा देते हैं फीमेल को, औरत लड़की कोई होगी तो हम महिला हम कैसे दिखाएंगे, माइनस से दिखाएंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलना, नहीं हमें तो मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, बोलना नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि नहीं हमें तो फीमेल को दिखाना है प्लस से, हम माइनस से नहीं दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल आपके माई लाइफ माई रूल्स चलेंगे, ठीक है, पर आपकी लाइफ के रूल्स क्या है ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर मेल को दिखा देते हो माइनस से और फीमेल को दिखा देते हो प्लस से तो भी कोई अंतर नहीं आएगा। अब कैसे दिखाते हैं हम, अगर मैंने बोला कि ए एक मेल है या फिर एक पुरुष है, तो बताइए कैसे दिखाएंगे उसे, ए के ऊपर हम प्लस का सिंबल लगा देते हैं। सेम अगर बोला बी एक फीमेल है, औरत है वो, तो माइनस लगा देंगे। अगर बोला ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है, ए पति है बी का, तो क्या करेंगे, मैरिज को, शादी को, अगर वो मैरिड कपल्स हैं तो हम किससे दिखाते हैं, प्लस से, उन दोनों के बीच में हम किसका सिंबल लगाते हैं, प्लस का सिंबल लगाते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। एक और ज़रूरी बात, अब हमारे यहाँ पे जो कानून आ गए हैं वो क्या है कि लड़का शादी लड़के से कर सकता है, लड़की की शादी लड़की से हो सकती है, पर आपका जो सिलेबस है उसमें ऐसी चीज़ें नहीं चल पाती, ठीक है। आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल ही एंशियंट टाइम का है, ठीक है, बिल्कुल भी मॉडर्न सिलेबस नहीं है, एंशियंट, बिल्कुल प्राचीन समय से चला आ रहा सिलेबस है ये। तो अगर बोला ए इज़ मैरिड टू बी या फिर ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, ए पति है बी का, तो बी पत्नी ही होगी, ठीक है, बी फीमेल ही होगी, बी औरत ही होगी, बात क्लियर है ये, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे नहीं मैम अब तो रूल्स चेंज हो गए हैं, हमें नहीं पता ए इज़ मैरिड टू बी और ए अगर हमारा मेल है हस्बैंड है, हमें नहीं पता बी लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, आपको पता है, ठीक है, चलो आगे। अब हम करते हैं, पहले देखो ये कुछ
रिलेशंस हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, सबसे पहले इसे आप पॉज करके देख लोगे। अब ये चीज़ हिंदी में क्यों नहीं लिखी गई, क्योंकि समझो इस चीज़ को, इंग्लिश में क्या होता है ना, चाहे मदर की सिस्टर हो या फिर फादर की सिस्टर हो, दोनों ही कौन होती है, आंट होती है। चाहे मदर की ब्रदर हो या फिर ब्रदर फादर का ब्रदर हो, ठीक है, चाहे आपकी मम्मी के भाई हो या फिर आपके पापा के भाई हो, दोनों को ही क्या बोल दिया जाता है, अंकल। पर जब बात होती है हिंदी की, हिंदी में अगर बोला है कि आपकी माँ का जो भाई होगा, तो मम्मी का भाई कौन होता है, मामा होते हैं, पता है ये चीज़। और जो फादर्स ब्रदर होते हैं, पापा के जो भाई होते हैं, वो कौन होते हैं, या तो चाचा होते हैं या तो ताऊ होते हैं। तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा क्लियरली लिखी जाती है, पर अभी थोड़ा एग्जामिनर स्मार्ट हो गए हैं, वो क्या करते हैं, कई बार वहाँ पे जो चीज़ दी जाती है, आपको भी चाचा ताऊ मामा मामी फूफा ये सब ना देखे, वो अंकल आंट देखे ही कन्फ्यूज़ कर रहा है, ताकि आप एग्जैक्ट रिलेशन ना पता कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे इंग्लिश देख के फटाफट से ये नहीं बोलेंगे, ये तो हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। ये हो गई बात। अब ब्रदर या फिर सिस्टर, भाई या बहन के बेटे को क्या बोलते हैं, नेफ्यू। और अगेन जो बहन या फिर भाई है उनकी जो डॉटर होगी उसको बोलते हैं नीस। आगे आती है, देखो ये यही चीज़ है इंग्लिश में, चाहे वो ब्रदर का हस्बैंड हो या फिर सिस्टर का हस्बैंड हो, क्या हो जाता है, वो ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। सेम चीज़ हो गई अपनी सिस्टर इन लॉ। अब डॉटर्स, जो अपनी बेटी का जो पति होता है वो कौन होता है, सन इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ये सब चीज़ें आप एक बार शांति से पढ़ लोगे, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो इसे एक बार क्लियर कर लोगे, ठीक है। चलिए चलो, जनरेशन, जनरेशन को हम कैसे दिखाते हैं, फैमिली ट्री से। अब क्या होती है फैमिली ट्री, इसे हम सीखेंगे यहाँ पे फटाफट से। क्या किया जाता है इसमें, सबसे पहले जो पीढ़ी आई है वो सबसे ऊपर होगी, उसके बाद जो पीढ़ी आई है वो उसके बाद, और उसके बाद जो पीढ़ी आई है वो उसके नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल भी आपका अंडा पहले आया या फिर मुर्गी ऐसा वाला रिलेशन नहीं होता। जो चीज़ें यहाँ पे दिखी होंगी वो बिल्कुल भी आपको क्लियर दिखाई देंगी, ठीक है, कन्फ्यूजिंग नहीं होता कुछ भी, हमें पता होता है कौन पहले आया कौन बाद में, ओके। तो सबसे पहले जो जनरेशन है, एग्जाम में आपसे जहाँ तक के सवाल पूछे गए हैं, तो सबसे पहले हो गए हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, और ग्रेट ग्रैंडमदर, अगेन ये चीज। उसके बाद कौन आएंगे, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, GF, और ग्रेट ग्रैंडमदर को अगेन GGM लिख लिया यहाँ पे। तो इसके बाद कौन आएंगे, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। अब गर्लफ्रेंड नहीं है ये, ठीक है ना, दादाजी है। इसके बाद अगली चीज, अगली पीढ़ी, अगली जनरेशन क्या होगी, फादर मदर, और उसके बाद जो लास्ट जनरेशन होगी वो इनके जो भी सन या फिर डॉटर होंगे। अब सब किसी ना किसी के सन या डॉटर है, पर वही अगेन इनका रिलेशन सबके साथ चेंज होगा। इसके इनके हो गए सन डॉटर, इनके कौन होंगे, पोता पोती, ठीक है, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, और इनके कौन हो गए, पर पोता पोती। क्या होता है ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, इंग्लिश में ग्रेट ग्रैंड फादर क्या होता है, पर दादा, ठीक है, ग्रैंड फादर क्या होता है, दादा, और उसके बाद फादर पता ही है पिता, और लास्ट में जो भी, अगर इन दोनों का अगर सन और डॉटर दोनों है तो क्या हो जाएगा, भाई बहन हो गए, बोलो क्लियर है ये बात। कैसे दिखाते हैं, अगेन देखो इसमें, यहाँ पे बिल्कुल भी, एक सेकेंड, आपको एरो के लिए नीचे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप दिखा भी सकते हो, ये अगेन कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अगर और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, बस पता होना चाहिए कि ऊपर से जनरेशन कहाँ की तरफ आ रही है, नीचे, जो ऊपर है वो सबसे पहले आए, उसके बाद उसके नीचे और उसके नीचे, क्लियर है ये बात। ये बात हो गई हमारी शो कैसे करते हैं हम, ठीक है, जनरेशन को पहले हम ऐसे दिखाते हैं। दूसरी बात, जब हमें सिबलिंग्स दिखाने हैं, भाई बहन दिखाने हैं, अब अगली चीज़ वो सीखेंगे। देखो अगर बोला ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, अगर हम इसे सिंपल एक शॉर्ट से एग्जांपल में देखें, तो अगर बोल दिया ए और बी कौन है, भाई बहन है, तो इसे हम ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि ये कौन सी जनरेशन के होंगे, सेम जनरेशन के होंगे। तो जब सेम जनरेशन में आता है तो सिबलिंग को हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, समझते जाओगे इसे, यहाँ पे लिख नहीं रही मैं, बोलती जा रही हूँ और समझाती जा रही हूँ आपको, ठीक है। अगर बोला ए भाई है बी का, तो क्या होगा, बी भाई या बहन कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता, और उसने बोला बी कौन है, बी बहन है ए की,
ऐसे बना देंगे। अगली चीज़ उसने बोला, ए की जो वाइफ है उसका नाम क्या है, सी है। ये हो गई हमारी ए की वाइफ। अगेन ए का फादर है हमारा, कौन है ए का फादर, ए का फादर है हमारा डी। तो कहाँ जाएगा ए का फादर, ऊपर। किससे दिखाओगे, प्लस से दिखाओगे। इसके बाद अगली चीज़ सी कौन हो जाएगी, फिर सी डी का कौन हो जाएगी, डॉटर इन लॉ, बहू, ठीक है, पुत्र वधु। और सी बी की कौन हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, ननद। ये बात क्लियर है। अगेन अगर इसके ऊपर हम और जाएं, वो बोल दे कि जो डी के फादर हैं, डी के फादर हैं हमारे ई, तो कैसे लेके जाओगे उसे ऊपर, ये हैं डी के फादर और ये हैं हमारे ई। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से दिखाते हैं सिबलिंग को, हम दिखा देते हैं सिंगल एरो से, जो भी हमें सेम जनरेशन में होते हैं। आगे जो हस्बैंड वाइफ होता है उसे हम दिखाते हैं प्लस से, मेल फीमेल, लड़का लड़की वाली चीज़ हम सीख चुके हैं, और बस हमें क्या करना है, ऊपर ऊपर जाना है। क्लियर है ये बात। अब आगे जो हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये एक बेसिक ओवरव्यू है जो कि आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे कैसे चीज़ों को डिनोट करते हैं। ओके चलो, ओके चलो, देखो तीन टाइप थे इसके, तीन टाइप हमारे कौन कौन से थे, जिस तरह के आपके सवाल पूछे जाते हैं। एक हो गया आपका पजल फॉर्म में, दूसरा हो गया कोडेड, और तीसरा जो है वो हमारा कौन सा फॉर्म है, तीसरा है हमारा पॉइंटिंग ऑफ फिगर। इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, पजल के बेसिक टू बेस्ट लेवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर आने वाले सेशंस में हम क्या करेंगे, बाकी की चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। ओके चलिए, ट्राई करोगे हर एक सवाल को खुद से, और उसके बाद हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। पॉज करके ट्राई करना है। चलो, क्या दिया है, आर इज द ब्रदर ऑफ एन, कैसे दिखाएंगे। आर कौन है, भाई है, किसका भाई है, एन का भाई है, हमें नहीं पता एन मेल है या फीमेल है। आर इज द ओनली सन ऑफ के, आर इकलौता बेटा है, किसका इकलौता बेटा है, के का इकलौता बेटा है। अगर वो के का इकलौता बेटा है तो दूसरी जो एन है वो कौन होगी, बेटी ही होगी। आर और एन कौन हो गए, बेटा और बेटी के। आगे क्या दिया उसने, एस इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ के, एस ओनली डॉटर इन लॉ है। क्या बताया था, जो लड़की है उसकी शादी लड़के से ही होगी। अगर इसका इकलौता बेटा है तो आर की शादी किससे हुई होगी, आर की शादी हुई है हमारी एस से। हाउ इज एन रिलेटेड टू एस, उसने बोला बताओ एन का क्या रिश्ता है एस के साथ, ठीक है, यही बोला है, हाउ इज एन रिलेटेड टू एस, तो बताओ कौन लगेगी एस की, जो एन है वो हो जाएगी हस्बैंड सिस्टर, उसके हस्बैंड की सिस्टर है एन। क्लियर है ये बात। चलो अगला सवाल, ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करोगे, ठीक है। पी एंड क्यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, पी और क्यू कौन है, हस्बैंड एंड वाइफ है, हमें नहीं पता हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है। पीज फादर इन लॉ इज आर्स वाइफ, पी का जो फादर इन लॉ है, देखो जब भी बात आती है ना फादर इन लॉ, अब पी का अगर फादर इन लॉ है तो पी की जिससे शादी होगी उसके पिता या फिर अगर यहाँ पे फादर इन लॉ दिया है तो फादर ही होने वाले हैं। मदर इन लॉ दिया होता तो क्या होता, पी की जिससे शादी हुई है उसकी मदर ही होती वो, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, उसने बोला है पीज फादर इन लॉ, पी के जो फादर इन लॉ है मतलब क्यू के जो पिता हैं, ठीक है, इज आर्स वाइफ्स फादर, वो कौन है, वो आर की वाइफ के पिता हैं। अब आर की वाइफ के पिता हैं तो आर की वाइफ कहाँ आएगी, नीचे ही आने वाली है, उसकी जनरेशन इनके बराबर ही होगी क्योंकि क्यू के पिता और आर की वाइफ के पिता। क्लियर है ये बात। तो वो लोग नीचे आएंगे, तो इसने बोला है आर की वाइफ के पिता, आर की अगर पत्नी है तो आर पति ही होगा, इसके पिता हैं, ये चीज़ हो गई क्लियर। आगे उसने बोला है क्यू इज द ब्रदर ऑफ टी, अब पता चल गया क्यू कौन है, क्यू भाई है, किसका भाई है, टी का भाई है। क्यू अगर भाई है तो पी कौन होगी, लड़की ही होगी। देन हाउ इज पी रिलेटेड टू आर्स वाइफ, क्यू भाई है टी का, इसके ये दो बच्चे थे तो टी यहाँ पर ही आएगी, टी कौन होगी, टी पत्नी है तो टी फीमेल हो गई। उसने हमें बोला है हाउ इज पी रिलेटेड टू आर्स वाइफ, तो पी कैसे रिलेटेड है, पी का क्या रिलेशन है आर की वाइफ के साथ, तो बताओ कौन हो जाएगी, ये कौन हो जाएगी, इसके क्या ऑप्शन दिया है, सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। चलो अगला सवाल, तो क्या दिया है यहाँ पर, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ए कौन है, ए भाई है, किसका भाई है, टी का भाई है। डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी, डी कौन है, डी इकलौती बहन है, किसकी इकलौती बहन है, डी की इकलौती बहन है। हु इज मैटर्नल अंकल ऑफ
डी, डी कौन है? डी हमारा मैटरनल अंकल है, डी मैटरनल अंकल है, किसका है? सी का है। अब एक बात बताओ, मैटरनल कौन होते हैं और पैटर्नल कौन होते हैं? सबसे पहली बात, मैटरनल में ही क्या आता है? माँ। तो मम्मी की साइड के जो भी रिश्तेदार होते हैं वो होते हैं मैटरनल। पैटर्नल कौन होते हैं? पापा की साइड के जो भी रिश्तेदार होते हैं। तो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि सी की जो मदर होंगी, ठीक है, मैटरनल अंकल दिया है, अब वो क्या हो सकता है? मामा भी हो सकते हैं, और कौन हो सकता है? मौसा भी हो सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो सी पर ये चीज़ कन्फर्म है कि सी की मदर ही होगी बी, ठीक है, और सी के मैटरनल अंकल कौन है हमारे? डी है। आगे उसने बोला है इफ ई इज द फादर ऑफ सी, अब उसने बोल दिया ई फादर है सी के, तो ई की शादी डी से ही हुई होगी। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो बताओ ए कौन होगा बी का? अब ये अगर भाई बहन है, ए और सी भाई और बहन है, तो ए कौन हो जाएगा? ए सन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। क्लियर है बस? चलो हर एक सवाल ट्राई करना है, पॉज करोगे और ट्राई करोगे, ठीक है। चलो क्या दिया है यहाँ पर, इफ अर्पिता इज द ओनली डॉटर ऑफ, अर्पिता इकलौती डॉटर है, ओनली डॉटर है, किसकी ओनली डॉटर है? प्रीतम्स वाइफ्स मदर्स। अब देखो इसमें ना बिल्कुल भी डरना नहीं है, वो जैसे जैसे बोल रहा है सिर्फ बनाते जाना है, ठीक है। क्या बोला है उसने, किसकी इकलौती डॉटर है वो? प्रीतम की वाइफ, ठीक है। प्रीतम की अगर वाइफ है तो प्रीतम कौन है? हस्बैंड है। प्रीतम की वाइफ की मदर, ठीक है, इसे अब हम थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ऐसे बनाएंगे इसे, प्रीतम की वाइफ जो भी होगी, हमें नहीं पता कौन है वो, प्रीतम्स वाइफ्स मदर, प्रीतम की जो वाइफ है उसकी मदर, हस्बैंड्स, अब अगेन मदर के हस्बैंड, ठीक है। तो ये हो गए इनके हस्बैंड, हमें ये नहीं दिया कौन है। तो बताओ अगर इकलौती बेटी है इनकी तो कौन होगी वो? यही हो जाएगी हमारी अर्पिता। कोई डाउट है इस चीज में? आगे उसने बोला है देन हाउ इज अर्पिता रिलेटेड टू प्रीतम सन, तो बताओ अर्पिता कौन होगी प्रीतम के सन की? मदर होगी, माँ होगी, इनका जो भी बेटा होगा तो क्या हो जाएगा? माँ होगी। कोई डाउट है इसमें? देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या करोगे, जिस ऑर्डर में आपको चीजें दी गई हैं उस ऑर्डर में उसे बनाओगे। उसने क्या बोला था, अर्पिता कौन है? अर्पिता इकलौती बेटी है, तो ये चीज कंफर्म होगी कि उनकी और कोई बेटी नहीं है, ठीक है। किसकी इकलौती बेटी है? प्रीतम की वाइफ, प्रीतम की जो वाइफ है उसकी माँ यहाँ पे हो गई, और उसके हस्बैंड की। अब इन लोगों की इकलौती बेटी है तो वो कहाँ पे आएगी? नीचे ही आएगी, मतलब ये वही चीज़ हो गई। डायरेक्ट नहीं बोला कि अर्पिता इसकी डॉटर है, जैसे बताया था पहले पजल में, सिर्फ उसे घुमा के दिया जाएगा, ठीक है। तो बस जो बोल रहा है उसे बना देंगे हम, तो ये चीज़ हो गई हमारी क्लियर। चलो अगला सवाल ट्राई करो, ऐसे क्या दिया है यहाँ पे। चलो नीरज इज द फादर ऑफ रिंकू, देखो पॉज करके ट्राई करना है, ऐसा नहीं सोचना कि मैम ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन थोड़ी था, ठीक है। तो नीरज इज द फादर ऑफ रिंकू, नीरज कौन है? नीरज फादर है, किसका फादर है नीरज? रिंकू का। जिया एंड टिया आर द डॉटर ऑफ रूबी, हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ रिंकू, ये भी बता दिया उसने। हु का मतलब क्या है? देखो हु मतलब किसकी बात हो रही है, जो लास्ट में आता है, आपको ये चीज सेटिंग अरेंजमेंट में भी समझाई गई है बहुत अच्छे से। यहाँ पे जब हु आ गया तो किसकी बात की जा रही है? रूबी, रूबी की बात की जा रही है। तो रूबी इज द ओनली सिस्टर ऑफ रिंकू, तो यहाँ बना देंगे रूबी ओनली सिस्टर है, ठीक है। तो नीरज की बेटी हो गई, उसने बोला था जिया एंड टिया डॉटर्स ऑफ रूबी, तो जिया और टिया इसकी डॉटर्स हो गई, ठीक है। विष्णु इज द सन ऑफ रिंकू, विष्णु कौन है? विष्णु सन है, किसका सन है? रिंकू का सन है, एंड गीता, ठीक है। अगर विष्णु रिंकू और गीता दोनों का सन है तो कौन होगा? गीता कौन हो गई? गीता हो गई रिंकू की वाइफ। आगे उसने बोला है हाउ इज नीरज रिलेटेड टू टिया, तो बताओ नीरज कौन होगा टिया का? सबसे पहली बात कौन, देखो यहाँ पे मैटरनल पैटर्नल दिख रहा है, सबसे पहली बात नीरज का रिलेशन कहाँ से आ रहा है? उनकी मम्मी की साइड से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? मैटरनल ग्रैंडफादर,
ठीक है, कौन हो जाएगा? मैटरनल ग्रैंडफादर या फिर आपके नाना। क्लियर है ये बात? चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया है इसमें? स्वाति इज द डॉटर ऑफ अनिल्स ओनली सिस्टर अक्षरा। स्वाति बेटी है, किसकी बेटी है? अनिल की जो ओनली सिस्टर है। कैसे बनाएंगे इसे? अनिल, अनिल की ओनली सिस्टर कौन है? अक्षरा है। और अक्षरा की डॉटर हमारी कौन है? अक्षरा की डॉटर है हमारी स्वाति। ठीक है, आगे क्या दिया है? अनिल्स मदर इज गौरी। अनिल की मदर कौन है? गौरी है। अगर अनिल की मदर है गौरी, तो गौरी अक्षरा की भी मदर होगी। कामिनी इज गौरव्स मदर। कामिनी है गौरव की मदर। ठीक है, कामिनी हस्बैंड इज गौरव। कामिनी की शादी किससे हुई है? कामिनी की शादी हुई है गौरव के साथ। पूनम इज द मदर इन लॉ ऑफ गौरव। देखो अभी ये एक और जनरेशन ऊपर चला गया। अब हम ऊपर जाएंगे तो हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं। इसने बोला है पूनम मदर इन लॉ है गौरव की, मदर इन लॉ है, तो क्या करेंगे? कामिनी की मदर हो जाएगी पूनम। उसने हमें पूछा क्या है? उसने हमें पूछा है हाउ इज स्वाति रिलेटेड टू गौरव। तो बताओ स्वाति का क्या रिलेशन है हमारा गौरव के साथ? देखो यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू भी हम कैसे थोड़ा जाते हैं। सबसे पहले देखो जनरेशन, देखो ये होंगे कुछ भी होंगे तो कौन होंगे? मदर फादर आ रहे होंगे उसके ऊपर, उसके ऊपर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, उसके ऊपर की जनरेशन है तो ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड मदर तक तो चीज़ें पहुँच चुकी हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें डॉटर और ग्रैंड डॉटर दिख रहा है, ये चीज़ तो होने नहीं वाली। ठीक है, अब कौन होने वाला है? स्वाति के, स्वाति कैसे रिलेटेड है गौरव से? तो स्वाति कौन हो जाएगी? ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। ठीक है, परबोती हो जाएगी। ग्रेट ग्रैंड डॉटर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया है यहाँ पर? सलोनी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ कार्तिक। कार्तिक का जो इकलौता बेटा है, ठीक है, उसकी डॉटर है कौन है? सलोनी है। तो यहाँ पे जो भी इंसान होगा उसकी डॉटर है सलोनी। आगे उसने हमें बोला है निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक। निरुपमा कौन है? मदर है। किसकी मदर है? दीपक की। हमें यहाँ पे नहीं पता निरुपमा और दीपक का रिलेशन, यहाँ पे हमें कोई नहीं दिख रहा, अलग से नोट करेंगे। निरुपमा हमारी हो गई मदर। किसकी मदर? दीपक की। यामिनी इज ओनली सन अंकित। यामिनी का जो इकलौता बेटा है अंकित इज मैरिड टू निरुपमा। निरुपमा में यहाँ दिख रही है, कौन आ जाएगा? अंकित। अंकित से शादी हुई है निरुपमा की, और अंकित की माँ कौन है? अंकित की माँ है यामिनी। और उसने हमें ये चीज़ भी बता दी है कि ये इकलौता बेटा है, ठीक है, अंकित को छोड़ के उसका और कोई बेटा नहीं है। क्लियर है ये बात? आगे उसने बोला है कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ दीपक। देखो पैटर्नल से ही दिमाग में क्या आएगा? पापा की साइड से। ठीक है, कार्तिक कौन है? कार्तिक है हमारा पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ दीपक। तो दीपक के जो पापा होंगे, उसके जो पापा होंगे वो कौन होंगे? कार्तिक। दीप अंकित के जो पापा, तो अंकित की माँ हमें पता है यामिनी है, तो यामिनी की शादी किससे हुई होगी? यामिनी की शादी हुई होगी हमारी दीपक से, कार्तिक से, सॉरी सॉरी कार्तिक से। ठीक है, आगे उसने हमें क्या बोला है? जब हमें ये पता चल गया, ये हमें बता रखा था उसने कि कार्तिक का जो इकलौता बेटा है उसकी बेटी कौन है? सलोनी है। ठीक है, तो अगेन दीपक और सलोनी इनके दो बच्चे हो गए। क्लियर? उससे पूछा है हाउ इज कार्तिक रिलेटेड टू अंकित। तो बताओ कार्तिक और अंकित का क्या रिलेशन है? तो कार्तिक कौन है? अंकित के पिता है, फादर। दी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये चीज? चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे, देखते हैं क्या दिया है इसमें। यश इज द हस्बैंड ऑफ कार्तिक्स ओनली डॉटर। कार्तिक, बहुत ज्यादा कार्तिक यूज कर दिया ना। कार्तिक की जो ओनली डॉटर है, ठीक है, कार्तिक की जो इकलौती बेटी है उसका पति कौन है? उसका हस्बैंड कौन है?
यश है। आगे उसने बोला है मूमल इज द मदर इन लॉ ऑफ विनीता। अगेन हमें मूमल और विनीता यहाँ कहीं नहीं दिख रहे, तो इसने क्या बोला है मूमल कौन है, मदर इन लॉ है। किसकी मदर इन लॉ है, विनीता की। तो विनीता के हस्बैंड की मदर हो गई मूमल, क्लियर है ये बात। आगे प्रियांक इज ब्रदर ऑफ काव्या। प्रियांक कौन है, प्रियांक भाई है काव्या का, इसे भी अलग नोट करेंगे, नहीं दिख रहा हमें यहाँ पे। प्रियांक इज ब्रदर ऑफ काव्या, इसे ऐसे नहीं सोचना कि ये एक जनरेशन के, ये हम बस नोट करें ओके। प्रियांक इज ब्रदर ऑफ काव्या, काव्या इज डॉटर ऑफ विनीता। अब ये उसने हमें बता दिया काव्या कौन है, काव्या डॉटर है विनीता की। जब हमें पता चल गया कि काव्या डॉटर है विनीता की, तो हमें पता है प्रियांक उसका कौन है, भाई है, तो प्रियांक सन हो गया विनीता का। आगे उसने क्या दिया है, काव्या ओके, कार्तिक इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ काव्या। कार्तिक कौन है, कार्तिक मैटरनल ग्रैंडफादर है, मतलब कार्तिक कौन होगा, जो काव्या की माँ है उसके फादर होंगे, ठीक है। काव्या की माँ कौन है, विनीता है, इसके फादर कौन हो जाएंगे हमारे, इसके फादर हो जाएंगे हमारे कार्तिक। नेक्स्ट, हाउ इज यश रिलेटेड टू मूमल। उसने बोला है कि बताओ, अब उसने क्या बोला था, कार्तिक की जो ओनली डॉटर है, ठीक है, उसका पति है यश, तो कार्तिक की ओनली डॉटर कौन हो गई, विनीता। विनीता का पति कौन हो जाएगा, यश हो जाएगा। उसने हमें पूछा है कि बताओ यश का क्या रिश्ता है मूमल के साथ, तो यश कौन है, मूमल का बेटा है, सन है, क्लियर है ये बात। चलो अगला सवाल ट्राई करो इसी बात पे फटाफट से, देखो पॉज करके सारे सवाल ट्राई करने हैं, ठीक है। महेश इज द फादर ऑफ रीवा। अब इसने बोला है महेश कौन है, महेश फादर है, किसका फादर है, रीवा का फादर है, ठीक है। एंड पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ वंश। और महेश कौन है, महेश पैटर्नल ग्रैंड फादर है वंश का, तो वंश के जो पिता होंगे, इसके जो पिता होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे हमारे महेश, ठीक है। आगे उसने क्या दिया है, आकाश इज द ब्रदर ऑफ रीवा। आकाश कौन है, आकाश ब्रदर है रीवा का एंड फादर ऑफ वंश। उसने बता दिया आकाश कौन है, फादर है वंश का, ये चीज भी बता दी उसने, क्लियर हो गई ये बात, ये रिलेशन हम यहाँ पे बना चुके हैं। अगेन फादर ऑफ वंश एंड ऋतु, आकाश वंश और ऋतु का फादर है। ऋतु इज द ओनली डॉटर ऑफ आकाश। अगर ऋतु ओनली डॉटर है तो वंश सन ही है, ऑफ आकाश एंड माया, आकाश और माया की, मतलब माया की शादी किससे हुई है, आकाश से हुई है। हाउ इज माया रिलेटेड टू महेश। तो उसने बोला बताओ माया का क्या रिलेशन होगा, माया कहाँ है ये दिख रही है, महेश कहाँ दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है, महेश का सन है आकाश, तो माया कौन हो जाएगी, डॉटर इन लॉ, पुत्र वधु, क्लियर, ए इज द राइट आंसर। चलो ट्राई करो इसे, चलो क्या दिया है यहाँ पे, मयंक इज द सन ऑफ अरविंद। मयंक कौन है, मयंक बेटा है, मयंक किसका बेटा है, अरविंद का बेटा है। मयंक एंड कश्यप आर ब्रदर्स। उसने बोला मयंक और कश्यप कौन है, भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, तो ये इसका भी बेटा हो गया। दुर्गा इज द मदर ऑफ कश्यप। दुर्गा कौन है, मदर है कश्यप की। अगर दुर्गा मदर है कश्यप की तो बताओ अरविंद कौन होगा, अरविंद फादर हो जाएगा। सनहित इज द ब्रदर ऑफ अरविंद। सनहित कौन है, सनहित ब्रदर है अरविंद का,
हृदय इज द सन ऑफ सनहित. हृदय कौन है? सन है. किसका सन है हृदय? सनहित का सन है. हाउ इज हृदय रिलेटेड टू कश्यप? तो उसने बताओ हृदय का क्या रिलेशन होगा कश्यप के साथ? कौन होगा वो? कजन होगा, चचेरा भाई. देखो बस इतना ही ईजी है. ब्लड रिलेशन में क्या करना है ना, बस कुछ नहीं करना, पढ़ते पढ़ते चीज़ों को नोट डाउन करते जाना है और यही चीज़ सीखनी है कि कौन ऊपर आएगा, कौन नीचे आएगा, कौन सी कंडीशन अलग लिखनी है, कौन सी कंडीशन साथ में मर्ज करनी है, कौन सी नहीं. प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें आप और फास्ट करने लगोगे. ठीक है, चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे. चलो क्या दिया यहाँ पर? जानवी इज द सिस्टर ऑफ तरुणी. जानवी सिस्टर है. जानवी किसकी सिस्टर है? जानवी सिस्टर है तरुणी की. आगे, तरुणी इज मैरिड टू दिलीप. तरुणी की शादी किससे हुई है? दिलीप से हुई है. दिलीप इज द फादर ऑफ रघु. दिलीप किसका फादर है? ये अगर फादर है तो ये मदर है. किसके फादर है ये? रघु का. मनोज इज द सन ऑफ हेमा. मनोज किसका बेटा है? मनोज बेटा है हेमा का. अगेन ये कंडीशन लिख रहे हैं, जनरेशन के साथ नहीं कंफ्यूज करना है. मनोज हमारा कौन है? बेटा है. किसका बेटा है मनोज? हेमा का. तरुणी इज मदर इन लॉ ऑफ हेमा. देखो तरुणी मदर इन लॉ है. ठीक है, अगर वो मदर इन लॉ है तो क्या हुआ होगा? उसका जो बेटा है उससे शादी हुई होगी. क्लियर है ये बात हेमा की? ठीक है, इनने क्या ओनली सन दिया था रघु में? दिलीप इज द फादर ऑफ रघु. नहीं, अभी ये नहीं दिया है. तरुणी इज द मदर इन लॉ ऑफ हेमा. दिलीप हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर. देखो अब ये चीज अब जाके क्लियर हुई. पहले फटाफट से यहाँ पर रघु देख के हमें क्या नहीं करना, रघु के साथ हेमा को नहीं बिठाना. क्या चेक करना है पहले? इकलौता बेटा है, क्या पता उनका एक और बेटा हो और उससे शादी हुई हो, इसलिए बहुत जल्दी से नहीं बनाना. अब उसने यहाँ पे बोल दिया कि तरुणी इसके आगे यहाँ पे जो बोला था, दिलीप हैज ओनली वन सन. दिलीप का सिर्फ एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है. अगर दिलीप का एक ही बेटा है तो रघु बेटा है. रघु की शादी किससे हुई है? हेमा से हुई है. हेमा का बेटा कौन है? मनोज है. क्लियर? आगे क्या दिया है? जानवी इज मैरिड टू वरुण. जानवी की शादी किससे हुई है? जानवी की शादी हुई है वरुण से. चलो इसे इरेज कर सकते हैं, ये कंडीशन हम नोट कर चुके हैं, इसको आप हम इरेज कर सकते हैं. चलो जानवी की शादी किससे हुई है? वरुण से हुई है. आगे, लेखा इज द डॉटर ऑफ वरुण. लेखा कौन है? लेखा डॉटर है वरुण की. हाउ इज जानवी सिस्टर रिलेटेड टू? देखो सबसे पहले क्या करना है, जो जो चीज़ें वो बोलता जाता है उसे फटाफट से सर्कल करना है, क्योंकि उसी का वो हमसे रिलेशन पूछ रहा है. उसने बोला है बताओ कैसे जानवी की सिस्टर. सबसे पहली बात, जानवी की सिस्टर है कौन? कर लिया उसे सर्कल. हाउ इज जानवी सिस्टर रिलेटेड टू मनोज पैटर्नल ग्रैंड फादर. मनोज के पैटर्नल ग्रैंड फादर, मनोज के फादर के फादर. तो मनोज का फादर हो गया रघु और रघु का जो फादर है वो है दिलीप. तो कौन हो गई तरुणी? वाइफ हो गई, पत्नी है. डायरेक्ट नहीं पूछा तरुणी का हस्बैंड कौन है, घुमा दिया और क्या पूछा कि बताओ मनोज के पैटर्नल ग्रैंडफादर की वाइफ कौन होगी. ठीक है, या फिर तरुणी कौन है उसकी. चलिए यही था आपका आखिरी सवाल. आई होप आपको इस सेशन से कुछ सीखने के लिए मिला हो. आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जब नेक्स्ट सेशन यहाँ पे अपलोड किया जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए. चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में.